राजस्थान के दो अलग अलग जिलों से खबर आ रही है जो सोचने पर मजबूर करे कि क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर अब तक कुल 325 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दौसा जिले की बात करें तो यहां भी 1 मई से 21 मई के बीच में 341 बच्चों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। दोनों ही जिलों में कोरोना संक्रमित होने वालों की उम्र 0 से 18 साल के बीच में है। राजस्थान सरकार ने दोनों ही जिलों को तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बच्चों के लिए वार्ड और उनके इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं तथा ये हमारे बेहतर सर्विलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संभव हो पाया है। मार्च, अप्रैल, मई यानी कि विगत तीनों महीने में जो 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें पॉजिटिव होने का जो ट्रेंड है वो सेम है, उसमें किसी प्रकार की अप्रत्याशित रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है या कहीं से ऐसी न्यूज मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से मिलेगी इतने सारे बच्चे संक्रमित हो गए, तो मैं उसका खंडन करना चाहूंगा कि वो संख्या भी सही नहीं है। और 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे